सिमी के तड़के में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैंगो शेक लेके आई हूँ, जो मैं इस तरह बनाऊँगी। ये मैंने मैंगो ले लिया है, एक मैंगो है बारीक बारीक काट लिया। इसमें मैंने काजू 5-6 इसके साथ ही पीस लेने हैं। ये मैंने रबड़ी डालनी है इसमें। ये गूंद कतीरा, जो हम इसको पीस के पानी में भिगो देते हैं और 1-2 घंटे में ये ऐसे बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये ऐसे बन के तैयार हो जाता है। इसको मैं ऊपर से गार्निश करूँगी, गार्निश में डालूँगी। ये मैंने आइस है और ये चीनी और ये दूध। ये मैंने मिक्सी का जार ले लेना है। इसमें मैंने मैंगो और काजू को और चीनी, इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है पहले, फिर उसके बाद हम और सामान डालेंगे। ये मैंने मैंगो को और काजू को और चीनी को मैंने इसको पीस लिया है। इसको अच्छे से, ये इस तरह करने से हमारा मैंगो शेक गाढ़ा भी बनता है और स्वाद भी बनता है। अब इसमें मैंने दूध डाल दिए। इसमें मैंने रबड़ी घर पे ही बनाई थी मैंने, ड्राई मिल्क की, और ड्राई जो पाउडर होता है उसकी मैंने बनाई थी। ये इसमें डाल देनी है। इसमें आइस डाल देंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लें। ये हमारा मैंगो शेक बन के तैयार है। अब मैं इसको ग्लास में डालूँगी। देखिए, ये हमने गूंद कतीरा में मैंने रूह अफ़ज़ा से इसको कलर दे दिया है। आपके पास कोई भी कलर घर में, कोई सिरप हो, ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और ये वैसे भी गर्मियों के लिए ये अच्छा है। इसके ऊपर हमने बादाम से गार्निश कर देना। इसे हमने थोड़ा सा इससे भी हम डिज़ाइनिंग कर देंगे। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बच्चे भी खुश होके पियेंगे इसको। इस तरह हमारा मैंगो शेक तैयार है। या ये ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए। ये गूंद कतीरा बाज़ार से, मार्केट से बड़े आराम से मिल जाता है। तो ये हमारा बन के तैयार है मैंगो शेक, आप इसे सर्व करिए। फ्रेंड्स, मैंगो शेक बन के तैयार है। अगर हमने गार्निश नहीं करना है तो आप प्लेन भी सर्व कर सकते हो। मैंने इसको गार्निश करके किया है, ये हमारा। अब आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।